जीवनम, यानी अन्न ही जीवन है, अन्न ही प्राण है। दोस्तों, आयुर्वेदा का ये श्लोक फूड के इम्पोर्टेंस को कितनी सुंदर तरीके से जताता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपना खाना पॉजिटिविटी के साथ खाते हैं तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देता है। यही नहीं, आयुर्वेद में काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फूड फैक्टर के इस एपिसोड को हमने डेडिकेट किया है इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक डाइट को। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारी आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मेघना दीक्षित जी का। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर साहिब, आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आयुर्वेदिक डाइट जब हम बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर डाइट से कितनी डिफरेंट होती है? बहुत फ़र्क है, क्योंकि आयुर्वेदिक की जो फिजियोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डीप है, तो हम हर एक इंडिविजुअल के मुताबिक उसको डाइट देते हैं। ओके। जैसे प्रकृति अलग अलग मानी जाती है, वात पित्त कफ, ये तो तीन मेजर दोष हो गए जी। और तीन मेजर दोषों में से सात भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियाँ बनती है कॉम्बिनेशन से, क्योंकि एक दोषज प्रकृति आजकल नहीं पाई जाती है। तो उसके मुताबिक हम कौन सा खाना किसको नहीं खाना चाहिए और कौन सा खाना किसको खाना चाहिए ये बताते हैं। तो इसमें हम जो बताएंगे आपको, आपके प्रकृति के मुताबिक ही बताएंगे कि वात में आपको क्या खाना है, पित्त में क्या खाना है, कफ में क्या खाना है। इसके अलग अलग आयुर्वेद में मेंशन किए हुए चार्ट्स हैं। मतलब इतना ज़्यादा डिटेल विवरण है इसके बारे में कि कौन से फ्रूट्स अवेलेबल है, उसको तीन कैटेगरीज में विभाजित किया हुआ है, आपके पल्सेस को या ग्रेन्स को विभाजित किया हुआ है, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स को, जो आपके स्पाइसेस होते हैं उनको विभाजित किया गया है, ना ही इतना आपके जो सीड्स होते हैं जैसे पम्पकिन सीड्स वगैरह होते हैं उनको भी विभाजित किया गया है कि किस कैटेगरी के प्रकृति को ये खाना है और किसको नहीं खाना है। दैट साउंड रियली इंटरेस्टिंग। बट एक और सवाल जो एक कॉमन मैन या हमारे व्यूअर्स भी यही सोच रहे होंगे इस समय कि कैसे पता चले कि हमारी प्रकृति क्या है, कि मैं वात कफ या पित्त कौन सी प्रकृति से बिलोंग करता हूँ, कोई क्राइटेरिया है उसके लिए भी? काफ़ी अच्छा खासा क्राइटेरिया है इसके लिए, मतलब बहुत आसानी से जानना होगा। तो उसमें दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक तो शरीर, मतलब आपका अपीयरेंस किस तरह का है उसके मुताबिक, और दूसरा आपका स्वभाव किस तरह का है। ये दो चीज़ें भी अगर आप जान लोगे तो आपको प्रकृति के बारे में काफ़ी जानकारी हो जाएगी। जैसे वातज प्रकृति का इंसान होता है, आप उसका शरीर देखोगे तो दुबला पतला लंबा, बहुत सारे उसके ऊपर तिल होंगे, शरीर के ऊपर काफ़ी तिल होंगे। और दूसरी बात होती है कि जब वात प्रकृति वाले इंसान बोलते हैं तो बहुत फास्ट बोलते हैं। उनकी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। फिर कई बार ऐसे होता है कि उनके हाव भाव काफ़ी होते हैं, उनका चलना बहुत फास्ट होता है। और स्वभाव से देखा जाए तो मैंने जैसे कहा कि मेमोरी शॉर्ट टर्म है, फिर उनको अगर गुस्सा जल्दी आ रहा है तो गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं जो भी चीज़ें उनकी, अगर उनको कोई डिसीजन लेना हो तो क्विक डिसीजंस लेंगे, दे विल नॉट थिंक अबाउट कि हमको ये सही होगा कि गलत होगा, नहीं करेंगे। पित्त प्रकृति वाले होते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही गुस्सेल होता है। इनको अगर आप देखोगे तो ज्यादातर दे आर प्रोन टू द स्किन डिजीजेस लाइक पिंपल्स होना या जो ब्लड की जो खून इम्प्योरिटीज ज्यादातर दिखाई देती है वो पित्त प्रकृति वाले इंसान में दिखाई देती है। कफ प्रकृति वाले इंसान को सबसे ज्यादा सुंदर माना गया है, जैसे गोरा, जैसे पित्त प्रकृति में भी श्वेत वर्ण का यानी कि गोरे रंग का उल्लेख है, बट वो पीले कलर का होता है। और जो कफ प्रकृति वाला होता है वो थोड़ा सा गेहुआ होता है, बहुत बहुत ही अच्छी स्किन, जिस इंसान की स्निग्ध मतलब ब्राइटर होता है एंड ग्लो होता है स्किन के ऊपर, नॉर्मल नेचुरल ग्लो होता है स्किन, हेयर, नेल्स, उनकी अपीयरेंस जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, उनके नेल्स, उनके हाथ, उनके हर एक चीज़ में जैसे काफ़ी स्निग्धता दिखाई देती है। उनकी भाषा होती है या उनके बोलने का जो तरीका होता है बहुत ही सलीकेदार मृदु भाषी होते हैं वो। उनको जो गुस्सा आएगा वो बहुत, मतलब इतने पेशेंस ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ होगी उसके बाद गुस्सा आएगा, और एक बार गुस्सा आ जाएगा तो ठंडा होने में भी समय लगेगा। तो इस तरह के स्वभाव को और शरीर को मैच करके आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और एक्चुअली जानना होगा तो फिर आपको किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाना होगा एंड क्लेरिफिकेशन डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अभी आपने कहा कि जो वात पित्त और कफ के मुताबिक ही डाइट लेना चाहिए और उसका काफ़ी ज़्यादा उल्लेख भी किया गया, डिटेल्ड उल्लेखन किया गया है आयुर्वेदा में, सो लेट्स सी दैट। We'll be right back.
मेघना जी, ये तो बात हो गई कि हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप डाइट ले रहे हैं, उसके अलावा और कौन से एस्पेक्ट्स हैं आयुर्वेदा में? उसके अलावा एस्पेक्ट्स ये होंगे कि सीजन जी, मतलब जैसे हमने 6 ऋतुओं में अपने सीजन्स को विभाजित किया हुआ है, तो उन 6 ऋतुओं के मुताबिक आयुर्वेद कहता है कि कौन से ऋतु में कौन से रस का, मतलब कौन से टेस्ट का आहार लेना चाहिए। आयुर्वेद में षड् रस माने गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और आप जैसे आपने कहा था कि जो नॉर्मल डाइटिशियंस होते हैं, तो डाइटिशियंस में यानी कि वेस्टर्न डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन में 6 टेस्ट है ही नहीं, उनके पास एस्ट्रिंजेंट ये टेस्ट नहीं है जिसको हम कषाय मानते हैं। तो इसी से पता चलता है कि वी आर मोर डीपर अहेड ऑफ देम। मेघना जी, डाइट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन, कॉन्टिनेंट, कंट्री, रिलीजन, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताइए। सीजन के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि 6 सीजन्स हैं हमारे और 6 रस है जी, तो हर एक सीजन के लिए हर एक रस का उल्लेख किया गया है शास्त्र में, और उसके मुताबिक डाइट का जो दूसरा अविभाज्य अंग है वो लाइफस्टाइल, मतलब ऋतुचर्या है, उसका भी उल्लेख किया हुआ है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के हमको आयुर्वेदिक डाइट प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तीसरी चीज़ इसमें आती है जो कि रीजनल है, जैसे हमने अपने देश को 4 विभागों में भागा हुआ है, जैसे जो हम 4 जोन्स भी कहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन, तो हर एक जोन की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे आप बंगाल की तरफ जाओगे तो आपको मछली भात ज़्यादातर खाने को मिलेगा, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पैदाइश है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो मछली भात ही आहार होगा। जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमको राजमा, गेहूं, सरसों, ये सब चीजें ज्यादा पाई जाती है, तो वही उनका अविभाज्य आहार हो जाता है जो बोलते हैं। या दैट इज लाइक वो उसी तरीके का खाना खाते आ रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड फॉर देम। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप अभी के आपके जो आप पैदा हुए तब से खा रहे हो, बट आपके जो हम आयुर्वेद में जो एक बहुत ही ज्यादा डीप डीएनए और जेनेटिकल स्टडी है, विच इज नॉट वेरी मच मेंशनड इन अ साइंटिफिक वे, बट श्लोकों में कई बार इसका उल्लेख किया गया है अगर हम समझे तो। हम जो अगर हम सोचे नॉर्थ जोन की जो इंसान है पैदा हुआ है, भले ही वो मुंबई में ही पैदा क्यों नहीं हुआ हो, बट उसके जो जीन्स है या उसके जो डीएनए पैटर्न है, उनका पोजिशन वहाँ का है, तो उनके लिए वो कंपैटिबिलिटी या वो एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ के फूड की ज्यादा होती है, ये ज़्यादातर हम देखते हैं। मेघना जी, जैसे आपने कहा कि कैलकटा में या बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखा जाता है कि मछली और भात ये काफ़ी उनका प्रिय भोजन है, दे जस्ट लव इट, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे मिक्स इट विद और कंबाइन इट विद मिल्क, तो इसकी वजह से उन्हें ल्यूकोडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। जैसे हम बंगाल की फेवरेट फूड मानते हैं मछली भात जी, और उसके बाद रसगुल्ला जी, तो रसगुल्ला जो है वो दूध का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली व्हेन यू कंबाइन दिस थिंग्स टुगेदर, तो आपको ल्यूकोडर्मा या बाकी भी चीज़ें जैसे होती है वो भी होना बहुत लाजमी है। स्किन डिसऑर्डर्स, हाँ, बट उनका जो मछली भात ये जो आहार है, जिसमें कि कई बार आपको दिखता है कॉड लिवर ऑयल आपको मछली में से बहुत ज़्यादा मिलता है, ओमेगा 3 बहुत मिलता है उसमें, तो आप देखेंगे कि बंगालीज की मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, स्किन बहुत अच्छी होती है, आईज आर वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव गॉट गुड विजन, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर। And I think that's why Bengalis are so beautiful or commonly known as bong beauties. जी, तो दूसरा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि food, it plays such an important role in our life. तो क्या ये कोई medicinal powers भी होती हैं जिससे हम अपने कोई diseases को ख़त्म कर सकें या अपनी memory को और ज़्यादा enhance कर सकें? बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम कहते हैं कि अभी हमने जैसे बंगाल का उल्लेख किया, वैसे अगर हम साउथ के बारे में सोचें तो साउथ में कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और साउथ इंडियंस के अगर आप बाल देखोगे तो दे आर ऑल लॉन्ग एंड ब्लैक, थिक एंड ब्लैक है, सो कड़ी पत्ता जो होता है वो उनके बालों को काला रखने में और बालों को घना और लंबा रखने में मदद करता है। आई थिंक ये सुनने के बाद तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दे विल स्टार्ट हैविंग कड़ी पत्ता ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनके बाल लंबे हो, घने हो और हमेशा काले रहे। तो रादर हम जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए, तो सबसे पहले एडवाइस मेरी ये होती है कि आप आंवला रोज एक खाइए, आप काले तिल का सेवन रोज रात को थोड़ा सा कर लीजिएगा, और आप दिन भर में जितना हो सके कड़ी पत्ते की चटनी खाइएगा। कड़ी पत्ते की चटनी, क्योंकि वो ज़्यादातर आपको कड़ी पत्ते की चटनी, मतलब आप क्या करोगे, सिर्फ कड़ी पत्ता लोगे और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दोगे आप, और उनकी चटनी बना के आप आसानी से उसको खा सकते हो। आप ऐसे ही कड़ी पत्ता चबाने जाओ तो मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं किसी कड़वा लगेगा, और दूसरा मैं किसी को बोलूंगी कि आप उसका जूस निकाल के पियो
तो ये सब करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होते हैं. पैलेटेबल तो आप सिंपल चीज है, करी पत्ता और मिंट भी अगर आप उसमें मिलाओ तो बहुत ज्यादा पैलेटेबल हो जाता है. चटनी के तौर पे आप उसको आसानी से खा सकते हो. और कुछ हमारे सिस्टम्स में इस तरह से क्या होता है कि चटनी, पिकल्स या पापड़ हम आसानी से खा लेते हैं. मगर एक और बात आती है कि जब हमने आज बात की आयुर्वेदिक डाइट के बारे में, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि आप इस तरीके से खाना खाइए, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ फूड. सो इसके अलावा आयुर्वेदा क्या कहता है? सबसे मेजर चीज हम कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद में जो अन्नपान विधि कही गई है, मतलब अन्न और पान, पान मतलब अनुपान जी, अनुपान में आपका आता है पानी जी. तो जब आप आपके स्टमक के कैटेगरी के लिए, मैं स्टमक बोल रही हूँ, उदर के जो आप चार हिस्सों में आप उसको बांट लीजिएगा, जिसमें आधा हिस्सा जो है आप खाना खाइए, एक एक पाव हिस्सा जो है आप पानी के लिए रखिए और एक पाव हिस्से को आप खाली छोड़ दीजिए. क्योंकि जब ये एंजाइम्स आपके खाने में मिल जाएंगे, पानी मिलेगा, उसके बाद जो डाइजेशन होगा, चर्निंग प्रोसेस के जो गैसेस और केमिकल्स निकलेंगे उसके लिए 1/4 छोड़ दीजिए. Okay. तो आगे से कोई भी खाना खाते समय अपने पेट को थोड़ा सा खाली रख के खाइए. ये तो आई थिंक हमारे आज के पूरे एपिसोड का गुरु मंत्र हो गया. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच मेघना जी. आज का जो भी डिस्कशन था इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी, फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो. थैंक यू दोस्तों. अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय. हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में. टिल देन, हेल्दी फूड यानी हेल्दी यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.